नमस्ते जी, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। चलो, आज आपको मैं बना के दिखा रही हूँ एक ग्रेवी से दो सब्जियाँ। तो इसके लिए मैंने तीन टमाटर लिए हैं, एक मोटी प्याज ली है और लहसुन ली है। अगर आप लहसुन ना लेना चाहते हो तो आप अदरक थोड़ी ज़्यादा ले लीजिए। मैंने इसमें थोड़ा सा कुकर में तेल डाला है, उसके बाद इसके अंदर लहसुन, प्याज, टमाटर और अदरक का एक टुकड़ा डाल दिया है। अब इसको हम एक सीटी लगा के पकाएंगे। वैसे तो आप कढ़ाई में भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें करने से एक और अलग बिल्कुल होटल जैसा स्वाद आता है। तो इसके अंदर हम एक सीटी लगा देते हैं, और एक सीटी लगाने के बाद फिर इसको हम ठंडा करेंगे। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि जो सीक्रेट है वो मैं बीच में या बाद में ही बताऊंगी। और उसके बाद इसको बिल्कुल महीन बारीक पीसेंगे, बिल्कुल पतला पेस्ट बना लेंगे। अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल होटल जैसा ही हो तो वो इसको छानते भी हैं, तो आप छान भी सकते हैं पीसने के बाद, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं ऐसे ही डालूँगी सिंपल। तो इसको हम अब ग्राइंडर में डालकर पीस लेते हैं। देखिए, बिल्कुल बारीक पतला एकदम से पेस्ट, बिना पानी डालने से ही ऐसा इतना अच्छा बन गया है। अब हम इसको छोंकेंगे। तो कढ़ाई में हमने इसके लिए रिफाइंड डाल दिया है, आपकी इच्छा है आप कुछ भी डाल सकते हैं। बटर मैं बाद में डालूंगी, तब हमारी ग्रेवी पकने लग जाएगी तब। अब इसके अंदर थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं। होटल वाले जीरा नहीं डालते हैं, लेकिन हम जीरा और हींग तो डालते ही हैं। तो हमने ये डाल दिया है। अब इसको हम ग्रेवी को डाल देते हैं और इसको अच्छे से पकाते रहेंगे। इसको चलाते हुए पकाएं ताकि ये नीचे से जले ना, क्योंकि तो जलने के बाद बहुत गंदा स्वाद हो जाता है। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है ना। अभी तो मैंने मसाले भी नहीं डाले हैं इसके अंदर। अब इसको लगातार चलाते हुए इसके अंदर मसाले डालेंगे। मसाले में ज़्यादा कुछ नहीं, बस वही हल्दी, थोड़ी हल्दी, मिर्च लाल वाली, एक मिर्च मैंने पहले ही डाल दी थी हरे वाली पीसते हुए, और हल्दी हो गई, धनिया, मिर्च और नमक, बस ये चार चीज़ ही डालेंगे, और सूखा धनिया भी। तो अब हम इसमें इसको पहले अभी और पीस लेते हैं। अदरक थोड़ी और ऊपर से डाल देती हूँ कस के, वो मैंने पीस ली थी। अब इसके बाद इसमें पानी मिला देते हैं, क्योंकि अब ये ज़्यादा गाढ़ा होने लग गया तो जल सकता है। बीच बीच में पानी ज़रूर डालते रहें, नहीं तो लग जाएगा। और इसमें टाइम तो लगता है, 10-15 मिनट लगती है अच्छे से। इसको जितना भूनेंगे उतना ही अच्छा स्वाद आता है। इसके अंदर मैंने मसाले डाल दिए हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार मसाले डालिए जितने आपको स्वाद लगे। किसी को कम मिर्च अच्छी लगती है, किसी को ज़्यादा अच्छी लगती है, तीखा लगता है तो थोड़ी ज़्यादा डाल दीजिए। कश्मीरी मिर्च भी डाल सकते हैं आप, अगर आपका कलर सही नहीं आ रहा हो। ये मेरे टमाटर तो अच्छे लाल थे, तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से पकाते रहेंगे और बीच बीच में पानी डालते रहेंगे। इस ग्रेवी में से ही मैं दो सब्जी बनाऊंगी। अब जब हमारे ये पक जाएगी, उसके बाद मैं इसमें से निकाल के आधी को साइड में रख लूँगी, और एक से हम बनाएंगे मटर पनीर की सब्जी। तो मैंने इसके लिए 200 ग्राम पनीर लिया है, आप अपनी इच्छा अनुसार लीजिए, आप अपने परिवार के हिसाब से इसके अंदर ले लीजिए। वैसे चार लोगों के लिए तो बहुत ठीक रहता है, ये आराम से काम चल जाता है। अब इसके अंदर हमारा भून गया, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देती हूँ क्रश करके। देखिए कसूरी मेथी डाल दी है। अब इसको चला के, और अब मैं निकाल के रखूँगी हाफ इसमें से, और हाफ में मैं मटर डालूंगी। मटर मैं चावल भी लूँगी, आप कैसी भी ले सकते हैं। अगर आप घर की छिली हुई हैं तो एक सीटी लगा के उबाल लीजिए, और इसमें ज़्यादा इसको उबालने की ज़रूरत नहीं होती है। ये मैंने इसके अंदर डाल दी है। हाँ, अगर जैसे मैंने इसमें बनाया है तो हाफ जो निकाली है वो गाढ़ी ग्रेवी ही निकाल ली थी, और इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है। गाढ़े वाली ग्रेवी में मैं बटर डालूंगी, इसमें बटर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
क्योंकि वो हम शाही पनीर बनाएंगे। इतने ये पक रही है तो मैं रोटी सेक लेती हूँ। आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, हम तो रोटी के साथ खाएंगे इसलिए हमने रोटी बनाई है। तो देखिए हमारी ये सब्जी बनके तैयार हो गई है। इसके अंदर ये सीक्रेट ये है कि होटल वाले ये टमाटर सॉस डालते हैं, जो कि मैंने मीठे वाली हैं तो ज़्यादा नहीं डालूंगी, नहीं तो ज़्यादा मीठा मीठा स्वाद आएगा। इतनी सब्जी में मैं एक चम्मच ही डालूंगी। माउथ वाटरिंग बिल्कुल एकदम से, इतना टेस्टी बन गया है ये। और अब इसको हम इसमें पनीर डाल के इसको गार्निश कर देंगे और कटोरी में निकाल देते हैं। और दूसरी सब्जी इसके अंदर अब हम बनाने लेंगे। इसके लिए मैंने पनीर को चौड़ा काट लिया है, दूसरी सब्जी के लिए थोड़ा बड़े बड़े डाइस काट लिए हैं। ये देखिए इसमें हम ये हमने ग्रेवी में पनीर डाल दिया और उसके अंदर हमने थोड़ा सा बटर भी डाला था। और ये देखिए हमारी कितनी अच्छी सब्जी बन के तैयार हो गई है ना। एक ही ग्रेवी से दो दो सब्जियां तैयार हो गई हैं। टेस्ट भी थोड़ा अलग ही आएगा, सेम नहीं आएगा, क्योंकि मटर वाली जो है वो थोड़ी सी पतली सब्जी है उस, और ये जो है पनीर की, खाली पनीर की जो है ये थोड़ी सी गाढ़ी है, उसके अंदर बटर भी है। तो एक ही ग्रेवी में से हमने बहुत सारी सब्जी बना सकते हैं, तो हमने ये बनाई। आप चलो इसको खाएंगे, हम रोटी के साथ खा रहे हैं। आपकी इच्छा हो जैसे आप खा सकते हैं, नान बना सकते हैं, लच्छा पराठा बना सकते हैं, चावल बना सकते हैं, आप किसी भी सब्जी के साथ इसको, किसी भी चीज़ के साथ इसको, सब्जी को खा सकते हो। एक पंथ दो काज हो गई है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, बनाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन ज़रूर दबाइए ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके साथ ही हम वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार जी।